हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज पे। माय नेम इज केशव कटोच। अभी आपने कल देखा कि एचपी अलाइड की भी जो है वो एग्जाम डेट जो है वो आपकी आउट हो चुकी है, और आपका एग्जामिनेशन जो है वो 8 सितंबर 2024 को होगा। अटकलें यही थी कि अगर जुलाई का इन्होंने शेड्यूल जो है वो आउट किया था उसमें एचपी अलाइड नहीं था, तो या तो ये अगस्त में होगा। चांसेस पिछले साल को अगर हम देखें तो काफी ज्यादा जो है वो नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ था, और बरसातों में बहुत कम एग्जामिनेशन जो है वो अब लग रहा है कि आने वाले कल में जो है वो नहीं करवाए जाएंगे बरसातों के मामले। और पहले भी ऐसा होता था कि बरसातों में आपके एग्जामिनेशन नहीं होते थे। एचएएस का एग्जामिनेशन जो लेट निकला था वो 30 जून को किया गया। एचपी टेट आर्ट्स आपका 30 जून का था, उसको एडवांस में आगे जुलाई में किया गया। अब एलाइड के ऊपर अटक लेती तो वो फाइनली जो है वो आपका आपका सेप्टेम्बर 8 जो है 2024 को आपका एग्जामिनेशन जो है वो आपका होगा। अब देखिए, अभी भी देखो, अब यहाँ पे मैं दो चीजें बताता हूँ। पहले आपका एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आपकी जनवरी में आती है, फिर उसके बाद मार्च में फिर से उसमें एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की जो पोस्ट जो है वो ऐड होती है, और उसके बाद फिर से फ्रेश नोटिफिकेशन आउट होता है। तो सभी बच्चों ने इस फॉर्म को भरा। अब सबके मन में यह था कि 2 महीने के अंदर जो है एग्जामिनेशन आ जाएगा, और कई बच्चे जो अभी भी तैयारी नहीं की थी, फॉर्म भर दिया था, थोड़ी सी उम्मीद कम थी कि यार 2 महीने में सिलेबस कैसे होगा। नाउ यू हैव द चांस, 116 डेज आपके पास पड़े हैं, नियर अबाउट 100 डेज ही मैं इसको बोलूंगा। लास्ट के जो 15 दिन होते हैं वो आपके रिविजन के होते हैं। प्रॉपर तैयारी के आपके पास कम से कम 100 डेज जो है वो अभी भी पड़े हैं, और अभी भी आपके पास मौका है कि आप इस पेपर को निकाल सकते हैं। अगर मैं मेंस के साथ इसको जोड़ता हूँ तो मेंस और इसके हिसाब से आपके पास काफी अच्छा, मतलब आप ये बोल सकते हो कि 5 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स आपके पास पड़े हैं, क्योंकि आपका पेपर होगा, उसके बाद 1 या 1.5 मंथ में आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका मेंस होगा। तो आपके पास अभी प्रॉपर टाइम है कि आप बड़े अच्छे से इस पेपर की तैयारी अभी भी कर सकते हैं। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि अभी भी आपके पास राइट टाइम है, या फिर आप बोल सकते हो कि किस्मत ने आपको एक तरीके से मौका दिया है कि भाई अब भी अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, है ना। क्योंकि हम गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, हम अच्छी जॉब लेना चाहते हैं, हम अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो दिस इज द राइट टाइम। देखो, ये जो आपका 3 मंथ्स या 3.5 मंथ्स जो आपके हैं, ये बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। आप उससे पहले आपका एचएएस का एग्जामिनेशन 30 जून को है, जिसने एलाइड भरा है वो एचएएस को भी भरता होगा, और वहां पे आपको एक तरीके से आइडिया हो जाएगा कि एचपीपीएससी किस अंदाज में जो है क्वेश्चन पूछना। वैसे अगर मैं अभी आपको बताऊं, मैं अपने सेशंस में भी बोलता हूँ और अपनी क्लासेस में, पेड क्लासेस में भी बोलता हूँ कि ये जो पेपर पीजीटी पेपर 1 हो रहा है या एचपीपीएससी के द्वारा कोई भी पेपर लिया जा रहा है, वो एक आपको आइडिया दे रहा है कि आने वाले कल में आपके पेपर्स किस तरीके के एचपीपीएससी सेट करने वाला है, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी जो है वो करनी है। सो पहला क्वेश्चन ये आता है कि कैन आई डू इट नाउ, कि अभी भी मेरे पास टाइम है। जिन बच्चों ने अभी तक सीरियसली नहीं कर रहे हैं, जो तो कर रहे हैं पहले से तैयारी, उनके लिए तो एक एडवांटेज भी होता है कि वो थोड़ा सा और अच्छे से रिविजन या रिवाइज कर सकते हैं। पर जो बच्चे आज शुरू करना चाहते हैं, वो आज भी अगर शुरू करते हैं तैयारी को और थोड़ा फास्ट अपनी तैयारी को रखते हैं, तो बहुत अच्छे से प्रीलिम्स तक अपना आप जीएस वाला सेक्शन सारा अच्छे से कर सकते हो। अब उनमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो इस क्लास में जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो, ये कोई फालतू की क्लास नहीं है, ये आपको पक्का कुछ ना कुछ आइडिया जो है वो देगी जो बच्चे अभी जो है वो तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले डिस्कस जो है वो हम यहाँ पे करेंगे कि आपको सिलेबस में प्रीलिम्स को अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो दो चीजें आपको ध्यान रखने की प्रीलिम्स जो है, अगर आप प्रीलिम्स को देखते हैं, है ना, तो प्रीलिम्स में आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स में आपको 3 सेक्शंस हैं। एचपी जीके हैं हमारे पास, करंट अफेयर्स हैं, और जीएस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ये जो प्रॉपर ये जो चीज आप पढ़ते हो ना, ये आपको मेंस में भी आती है। तो अभी तो आप जो चीज पढ़ रहे हैं तो मेंस में आपको 200 मार्क्स का इन्हीं तीनों से सेक्शन से आपको आने वाला है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पेपर में आपको आएगा। अब आपको जब इन चीजों को पढ़ रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो रहा होता है। पूरा फुली तो नहीं कंप्लीट होता है, बट समहाउ आपका 50% यहां से कंप्लीट होता है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मेंस में हमें अलग से पढ़ने होते हैं। जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि जैसे आपको हिमाचल का फॉरेस्ट पढ़ना है, हिमाचल का एग्रीकल्चर इकोनॉमिक सर्वे के साथ लिंक करके पढ़ना है, हिमाचल की वुमेन्स के रिलेटेड गर्ल्स के लिए जो स्कीम्स हैं उसके लिए पढ़ना है, आपको हिमाचल की इकोनॉमी के लिए कौन कौन सी स्कीम्स हैं वो लाके आपको आनी है ना, लघु उद्योग के लिए हिमाचल में कौन कौन सी स्कीम्स आ रही हैं, तो उनको यहाँ पे पूछा जा सकता है। वैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो फ्रीडम स्ट्रगलर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो पॉलिसीज लेकर आई उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्रिटिकल इवेल्युएशन आपको पता होना चाहिए। तो वो सारी चीजें मेंस में अलग तरीके से हमें पढ़नी होती हैं, बट ऑलमोस्ट आपको एक स्ट्रक्चर व्यू में आपको ये सारी चीजें पढ़नी। अब ये जो आपके पास कम से कम 100 डेज जो आपके पास पड़े हैं,
ये जो प्रॉपर 100 days पड़े, वैसे तो आपके पास 116 दिन बचे, बट मैं वही बोल रहा हूँ 16 days तो मैं रिवीजन को ही देता हूँ, तो फुल सिलेबस तो आपको 100 days में कंप्लीट करना है, अराउंड 3 months आपके पास है प्रीलिम्स को टारगेट करने के लिए, तो अभी भी कोई गलत नहीं हुआ है कुछ, अभी भी आपके पास एक इनफ टाइम होता है, क्योंकि कभी भी कोई नोटिफिकेशन निकलती है, आप ये लेके चलिए कि आज नोटिफिकेशन निकली है कि एग्जामिनेशन इतने तारीख को होगा, फॉर्म फिलअप कीजिए, 1 month में फॉर्म फिलअप हुआ, 2 month में पेपर हो गया, तो इतना ही टाइम मिलता है उस टाइम पे भी जब आपका इस तरीके से फास्ट पेपर होता है। और एचपी लाइट का पहले पेपर देखोगे तो ऐसे ही हुए, 1.5 month के बाद सीधा उन्होंने बता दिया जी हम आपका प्रीलिम्स लेंगे, ये तो इस बार इतना टाइम इन्होंने आपको जो है वो गैप दे दिया है, तो ये अच्छा है कि आपको टाइम गैप दिया है। तो सबसे पहले आपको किसको टारगेट करना है, ये जो सेक्शन है आपका करंट अफेयर्स, देखो करंट अफेयर्स आपको कम से कम 1 या 1.5 years के आपको पढ़ने हैं, मतलब मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि सितंबर में आपका पेपर है तो आप कम से कम अगस्त 2023 से लेकर अक्टूबर सॉरी अगस्त 2023 से लेके अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लीजिए, अगस्त 2023 से लेके अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर्स को जो है वो आप पढ़ लिए, ठीक है ना, और इससे पहले भी आपको जुलाई को भी आप पढ़ सकते हैं, वो आपको एक कंफर्म कर देता है, क्योंकि आजकल क्या कर रहा है ये, जैसे आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हो 2023-24 का, और यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको 2022 के भी इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन पूछ रहा है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स आपने देखा होगा अभी क्वेश्चन पीजीटी वगैरह में पेपर में डाल रहा है, तो वो भी आपको पढ़ना है, सेंसस से आपको क्वेश्चन आ रहे हैं उसको भी आपको पढ़ना है, तो यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि करंट अफेयर सेक्शन को आपने देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अभी आपने देखा पीजी असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पेपर पूछा गया कि जो आपकी टनल में 42 लेबर्स फंसे थे तो उसमें से हिमाचल में से कौन था, मंडी में से, तो वो आपको क्वेश्चन करंट का डीपली पूछ रहा है। जापान ओपन, बैडमिंटन ओपन उन्होंने पूछ लिया किसने जीता है, हम बैडमिंटन वाले ओपन को हम ज्यादा नहीं देखते हैं, तो उसने उसी को टारगेट जो है वो किया हुआ है। तो करंट अफेयर में ध्यान में रखिएगा कि जब आप किसी करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, उसके लिए मैं एक सेशन भी आपको पता है जनवरी हम कर चुके हैं, फरवरी आपका कल या परसों फिर से स्टार्ट हो जाएगा, तो उन सेशंस को लगाइए, वहां पे हम डिटेल में कर रहे हैं चीजों को, ये एमसीक्यूज को छोड़ दीजिए, आपकी एमसीक्यूज में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं है, आपको डीपली करंट अफेयर को पढ़ना पड़ेगा। तो अभी भी अगर आप करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं तो अभी करंट अफेयर्स को देखो वीकली, अगर हम टाइम टेबल बनाते हैं वीकली टाइम टेबल बनाओ, ज्यादा बड़ा टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, वीक में 2 सेक्शन है, देखो प्रीलिम्स अगर आपको निकालना है तो एचपी जीके और जिसका करंट अफेयर स्ट्रांग होगा वो बड़ी आसानी से जो है वो प्रीलिम्स को निकाल देगा, क्योंकि एचपी जीके में हम 60 questions आते हैं और 60 में से कम हम 45 questions को टारगेट करके ही चले कि 45 से अब हमें लाने ही लाने, तो एचपी जीके भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका, तो इसको भी अभी से स्टार्ट करें। इन दोनों सेक्शन को मैंने हमेशा बोला है इनको डेली पढ़ना है, आपने करंट अफेयर डेली पढ़ना है, एचपी जीके डेली पढ़ना है, मंडे टू सैटरडे पढ़ना है, संडे जो है वो आप अपना रेस्ट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं जो भी आपने पढ़ा है, बट मंडे टू सैटरडे इन दोनों चीजों को आपने नहीं छोड़ना है, ठीक है, ये एंड तक जाएगा आपका। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ हिमाचल जी के बहुत डीप पूछी जा रही है, कुछ ऐसी चीजें पूछी जा रही है जो कहीं मिल ही नहीं रही है, बलोखरा बुक को आप देखेंगे तो अभी हिमाचल का पंचायती एक्ट 1968 से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, तो उस सेक्शन को हम छोड़ देते हैं, तो बलोखरा में कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो उनको वो पकड़ रहा है वहाँ पे, तो आपको अभी से आप करेंगे तभी आप फाइनलाइज होंगे और नोट्स साथ साथ में जो है वो आप बना सकते हैं। तो करंट अफेयर्स और एचपी जीके को प्लीज आप लोग कंटिन्यूसली करें, और एचपी जीके में भी देखो क्या होता है, एचपी जीके में भी आप देखोगे तो एक ज्योग्राफिक सेक्शन से आपको 10 से 11 क्वेश्चन आ जाएंगे, आर्ट एंड कल्चर से आपको क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है, और अगर आप पुराने पेपर्स को देखेंगे तो अगर हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिस्ट्री में खासकर क्वेश्चन एंशियंट मेडाइवल और मॉडर्न से आपको ज्यादा आए, जैसे प्रजामंडल वगैरह है इनसे क्वेश्चन आए हैं, एंशियंट मेडाइवल और मॉडर्न की बात कर रहा हूँ मैं, हिमाचल की, डिस्ट्रिक्ट की नहीं बात की मैंने, अगर डिस्ट्रिक्ट में भी बात करूं तो आपको चंबा, कुल्लू, शिमला और कांगड़ा, ये 3 ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके आए हैं, अगर आप एनालाइज भी करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि इन्हीं 4 डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है, और अगर डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी भी पूछ रहा है आपसे तो इकोनॉमिक सर्वे को साथ साथ में लेके चलिए, अभी बहुत टाइम है आपके पास इकोनॉमिक सर्वे को भी करने का, और इसका सारा टेस्ट आपका जो है वो एचपीएस के एग्जामिनेशन में हो जाएगा, तो इन सेक्शंस को पहले कर लो, और आपको एचपीएस में भी यहीं से क्वेश्चंस आपको कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे आपको, तो ध्यान में रखो कि ये पेपर की तैयारी जो आप कर रहे हो ना ये स्ट्रेटजी के साथ होती है, ना कि आपने जस्ट किताब उठाई और आज ज्योग्राफी पढ़ ली, कल किताब उठाई तो पॉलिटी पढ़ ली, कल किताब उठाई तो कुछ भी पढ़ लिया, ऐसा नहीं होगा, हम स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे। और ध्यान में रखना जीएस में हमारे पास कौन कौन से सेक्शन है, देखो जीएस में अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं होता सारे पेपर ही आपका
स्टेटमेंट वाइज आएगा या सारा पेपर ही मैच द फॉलोइंग आएगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग होंगे, कुछ क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे होंगे, कुछ क्वेश्चन वन लाइनर होंगे और कुछ क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाइज होंगे, सारे क्वेश्चन नहीं होंगे ऐसे, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी में भी अगर ज्योग्राफी पे इंडिया को ज्यादा तवज्जो दोगे तो बहुत बेटर है। मॉडर्न हिस्ट्री, गांधीयन स्टडीज, ठीक है, गांधीयन थॉट से आपको क्वेश्चन आएगा, डिजास्टर से आपको क्वेश्चन जो बनेगा, यही सेक्शन आपको कम से कम 30 नंबर या 30 से 35 नंबर जो है वो आपको दे देंगे। 40 नंबर तक तो मैं बताता हूँ, क्योंकि साइंस के भी आपको 15 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। तो यही सेक्शन को भी अगर आप साथ साथ में सबसे पहले कवर अप करेंगे तो आपका जीएस वाला पार्ट जो 80 मार्क्स का पार्ट है वो भी आपका कवर अप होगा। तो अगर आप 3 मंथ्स में अभी करना चाहते हैं तो एचपी जीके को अभी से शुरू कर लीजिए। देखो 3 मंथ्स इनफ होते हैं एचपी जीके को करने के लिए। अगर डेली अगर आप कम से कम 2 घंटे या 2.5 घंटे एचपी जीके को दे रहे हो, 2-2.5 घंटे आप दैट इज करंट अफेयर्स को दे रहे हो, प्लस आप 2 घंटे जो है वो किसको दे रहे हैं, दैट इज योर जीएस सेक्शन को दे रहे हैं। किसी देखो आज अगर जैसे मान के चलो आज मैंने ज्योग्राफी को पकड़ा, तो ज्योग्राफी को जैसे मान के चलो आज मैंने फिजियोग्राफी ऑफ ज्योग्राफी, तो फिजियोग्राफी एक दिन में तो नहीं होगी। अगर आप याद भी कर रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, सब कुछ है, तो कम से कम 2 दिन तो लगेंगे फिजियोग्राफी को, या ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लग सकते हैं, बट वहां से एक क्वेश्चन पक्का हो जाता है हमारा। प्लस मिनरल से हमें क्वेश्चन आता है, तो पूरा मिनरल्स 2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। यू हैव टू सेट द टारगेट्स, यार मुझे इतने दिनों में खत्म करना है, ठीक है। हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, किसी ने पहले पढ़ा होता है तो उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता, कोई शुरुआत करता है तो उसको ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। रिवर्स के ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा, मिनरल्स के ऊपर आएगा, फॉरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आपको आता ही आता है, सॉइल के ऊपर क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन है। इन सेक्शंस को डिवाइड करके मान के चलो कि भाई मैंने ज्योग्राफी जो है वो 15 दिनों में वन बाय वन रिवाइज, मतलब एक बार कंप्लीट कर लेते हो ना तो वो नजरों के सामने से निकल गई है, फिर रिविजन करोगे, फिर पेपर से पहले रिविजन करोगे, 3-4 बार अगर माइंड से निकल जाती है तो फिर वो भूलती नहीं है। और पुराने पेपर्स को जरूर सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2021-22-23 में एचएएस के क्वेश्चन आए हैं उनको करो, क्योंकि वो एचपीपीएससी के ही है, और एचपीपीएससी के अभी जितने पेपर हो रहे हैं उन सबको कलेक्ट करो, उनको सॉल्व करो। इट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस दैट आई कैन डू इट, बिकॉज हम जब पढ़ते हैं साथ में, क्वेश्चन करते हैं, पढ़ते हैं साथ में, जो जो पेपर हो रहे हैं उनको करते हैं, तो एग्जामिनर, देखो एग्जामिनर ने डाला है, एचपीपीएससी ने ही डाला है, तो उनकी सोच और उनका पैटर्न आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाता है, और आपको ये पता लग जाता है कि डेली जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें लैग कहाँ कर रहा हूँ, वो आपको पता लगता चल जाता है। तो ये 2 सेक्शंस तो डेली आपने पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है, प्लस जीएस का एक टॉपिक साथ साथ में आपने कवर अप करते रहना। देखो ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ना, इन टॉपिक से आपको क्वेश्चन आने ही आने। साइंस को भी आप साथ में ले सकते हैं, 15-20 क्वेश्चन वहां से भी बनेंगे आपको, तो साइंस को भी अच्छे से करना है, बट इनको और इनको करना स्टार्ट कर दिया, अभी से शुरू कर दिया, जो मैं बोल रहा हूँ 2-2 घंटे भी दोगे, 6-7 घंटे, 6-7 घंटे इनफ होते हैं अगर आप शिद्दत के साथ आराम से, कोई मोबाइल नहीं कुछ नहीं, पढ़ना शुरू कर दिया, आराम से इस पेपर को निकाल दें। मैं आपको लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं बनाऊंगा कि 3 महीने में, 1 हफ्ते में ये करो, 1 हफ्ते में ये करो, 1 हफ्ते में। देखो हर बंदे की लाइफ में कोई ना कोई अप एंड डाउन चल रहे होते हैं, कोई कोई काम होता है, कोई कोई काम होता है। वीक का टाइम टेबल बनाओ, वीक में मुझे क्या करना है, वीक में मुझे ज्योग्राफी के इतने टॉपिक से इतने करने हैं, पॉलिटी का मुझे इतने से इतने टॉपिक करने हैं, एचपी जीके के इतने टॉपिक करने हैं, एंड देन द एक टॉपिक मुझे करंट अफेयर्स के, मुझे जैसे मान के चलो मुझे जनवरी और फरवरी खत्म करना है, तो दिस इज द टारगेट जो आप वीक में खत्म करोगे, ठीक है। नहीं हुआ, नेक्स्ट वीक में फटाफट उसको खत्म करने की कोशिश करो, धीरे धीरे यू फील दैट कि मेरा सिलेबस वन बाय वन खत्म होता चला जा रहा है। और पेपर से 100 दिन का टारगेट बनाना है हमने, और 16 दिन जो है वो हमने रिविजन को ही रखना है। 16 दिन में ऐसा नहीं होता कि भाई 8 सितंबर को आपका पेपर है और आप चाह रहे हैं कि भाई मेरा सिलेबस 5 सितंबर को खत्म हो, फिर मैं 3 दिन रिविजन करूंगा। 3 दिन में रिविजन कभी नहीं होती, यू हैव टू गिव 2 वीक्स फॉर द रिविजन, मस्ट है वो आपके 2 वीक्स रिविजन। वहीं पे आप गलती हो, वहीं पे प्री, वहीं पे टेस्ट सीरीज, वहीं पे सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है ना। वहीं पे टेस्ट सीरीज आप दोगे, उसी टाइम पे टेस्ट सीरीज दोगे, एनालाइज करोगे, दिस इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। सो दिस इज ऑल आई वॉन्ट टू से अबाउट यू, दैट कि डोंट लूज होप, अभी भी आपके पास अच्छे से तैयारी करने का मौका है, ठीक है। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं या हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, तो सिंपल आपने कुछ नहीं करना है, 7814846248 पे भी आप कॉल कर सकते हैं। We give the video lecture plus PDF plus test series to the students. Separate आप test series भी लेना चाहेंगे तो आप हमारे को contact कीजिए, या Nimbus Careers app, इस app को download कर लीजिए, Nimbus Careers app, इस app को download कर लीजिए, इस app में आपको सब कुछ जो है वो मिल जाएगा, previous year question भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी YouTube channel को subscribe कर लो, इसमें बहुत सारी चीजें आपको जो है वो एलाइट से related मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये जो information मैंने आपको दी है इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ फायदा होगा। Thank you very much. All the best.